हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एक्सप्लोरर्स। आई एम रॉबर्ट टावर और आज हम एक और डीआईवाई लेके आए हैं आपके लिए, मोटरसाइकिल डीआईवाई। और ये वाला बहुत सिंपल है, आप लिटरली घर पे कर सकते हो, क्योंकि ये है एओकी का C5 मोटरसाइकिल एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले सिस्टम, जो कि पोर्टेबल है। हमने ऑलरेडी इसका अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया है, लिंक यहाँ पे होगा, तो आप जाके पहले उसे देख सकते हो। और अगर आपने उसे देख लिया है तो आपको अभी तक समझ आ गया होगा कि ये बहुत ईजी है लगाना। तो चलिए इसे इंस्टॉल करते हैं मेरी ड्यूक 390 पे। और जैसे कि आपको पता ही है, हम अपने सारे DIYs के लिए जाते हैं SK ऑटो केयर। तो सबसे पहले तो ये यू बेंड बोल्ट जो है, इसके ऊपर हम ये रबर स्लीव चढ़ाएंगे ताकि कोई भी स्क्रैचेस ना लगे हैंडल बार पे। और उसके बाद इसे हैंडल बार पे पोजीशन करके देखेंगे। एक बार वो सही से पोजीशन हो जाता है तो जो रबर गैस्केट वाले हमारे नट्स हैं उन्हें बैठाएंगे, सिक्योर करेंगे और फिर उसे फासन करेंगे 10 नंबर के टी से। इसे अच्छे से टाइट कर लीजिएगा ताकि ये लूज ना रहे, क्योंकि पूरा डिस्प्ले का वेट इसी के ऊपर आने वाला है। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हमारा एओकी का C5 डिस्प्ले। तो लगाने के लिए हम एक कपलर माउंट यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से टाइट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मेरी बाइक में USB चार्जर पोर्ट नहीं है, तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने 90 रुपीज़ का OTG लिया है, जिससे मैं टाइप सी इजीली अपनी बाइक पर लगा सकता हूँ और USB को इसके अंदर कनेक्ट कर सकता हूँ। अब ये सही से तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए हम बाद में इसके ऊपर श्रिंक स्लीव लगाएंगे। अभी इसे डायरेक्ट बाइक में प्लग इन करते हैं और डिस्प्ले को ऑन करते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी एकदम ज़बरदस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है ये लगा हुआ। चलिए टेस्ट ड्राइव लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल मैप्स इजीली चल रहा है। इनफैक्ट मैं डेस्टिनेशन भी सर्च कर सकता हूँ जहाँ पे मेरे को जाना है। होम पेज पर छोटा सा मैप, म्यूजिक कंट्रोल और टर्न नोटिफिकेशन दिखता है। स्क्रीन एकदम रिस्पॉन्सिव है, जहाँ आप क्लिक करोगे मैप म्यूजिक इमीडिएटली चेंज होता है, ज़रा सा भी लैग नहीं फील होता और मज़ा आता है स्क्रीन चलाने में। तो चलिए अब कनेक्टर को वाटरप्रूफ करते हैं। उसके लिए मैंने ये श्रिंक सिम ली है और श्रिंक स्लीव को मैं एग्जैक्ट OTG और USB के साइज का काटूंगा। अब पहले हम OTG के ऊपर श्रिंक स्लीव चढ़ाएंगे। A few moments later. और उसके बाद ये USB कनेक्ट कर देंगे। बस उसके बाद या तो लाइटर से या फिर हीट गन से इसे जलाना है ताकि अच्छे चिपक जाए। तो स्लीव अच्छे से श्रिंक हो गई है, कनेक्टर पूरा एक यूनिट हो गया है और वाटरप्रूफ बन गया है। और इतनी आसानी से आप अपनी मोटरसाइकिल में भी AOK का C5 मोटरसाइकिल एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले सिस्टम लगा सकते हो, अपनी मोटरसाइकिल को भी डिस्प्ले के साथ बना सकते हो। और ये काफ़ी बेटर है क्योंकि इससे आपकी फ़ोन की लाइफ नहीं ख़राब हो रही है। अगर आप फ़ोन माउंट करके रखते हो तो आपकी फ़ोन की बैटरी जल्दी जाती है, फ़ोन बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो वो सब प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और इसका डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा है, वायरलेस एप्पल कारप्ले है, जो कि 15 लाख से ऊपर ही गाड़ी में आते हैं। उससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, आप किसी भी बाइक में लगाओ और यूज़ करो इसे। और जब आपका यूज़ ख़त्म हो जाए तो इसे बस यहाँ से ईजीली अनस्क्रू करो, तो थोड़ा सा ये लूज़ हो जाएगा और लूज़ होते ही ये निकल गया। और ये इसे निकाल के घर ले जाइए, क्योंकि ये बहुत आसानी से निकल सकता है। तो अगर आप अपनी बाइक पर लगा छोड़ेंगे तो पक्का ये कोई निकाल के ले जाएगा। माउंट को आप यहाँ लगा रह सकते हो, वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, आराम से लगा रहेगा। इसे आप घर पे ले भी जा सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहो। डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है खरीदने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट्स में भी मैं डाल दूंगा। कूपन कोड ज़रूर यूज़ करना, RevExplorers 18% डिस्काउंट मिलेगा और 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर ही आपके पास डिलीवर हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और दिखा तो मैंने आपको दिया ही कैसा है, और अब हम यूज़ भी करने वाले हैं आगे आने वाली सारी राइड्स में इसे, क्योंकि ये काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी यूज़फुल है। सो आई होप आप हमें आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वो घंटी बजा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे अगली DIY में या फिर अगले रिव्यू में। बाय बाय।